नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष श्री संतोष शेट्टी जी ने अपने कार्यालय पर पूजा करके सभी देशवासी या भिवंडी वासियों को दीपावली का शुभेच्छा दिया है। चलिए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। दीपावली के मामले में सभी भिवंडी के सभी समाज के लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो दिवाली के जो माहौल है, एक मीठा माहौल, वो पूरे भिवंडी में मीठा माहौल हर घर में बने, ऐसे हम दुआएं करते हैं और सबको दिवाली की बहुत। सबसे पहले भिवंडी के सभी समाज, हर समाज में हरदम बोलता, हर समाज के लोग को दिवाली के मौके पर बहुत खुशी थे। भगवान में कल महालक्ष्मी भगवान का पूजा किया था और हमारे हिंदू धर्म में जब प्रार्थना पूजा करते तो महालक्ष्मी भगवान ऐसा क्या सुख संबंधी हर चीज़, मतलब वो उसको किसी का मेडिकल का हो, फाइनेंस का हो, हर चीज़ हम लोग दुआ मांगते प्रार्थना करते। ऐसी कल हमने ऐसा प्रार्थना किया था क्या, भिवंडी में कोविड के वजह से बहुत से काम धंधे में बहुत लोग तकलीफ में, तो महालक्ष्मी को हमने ऐसा प्रार्थना किया भगवान आप पूजा करने वाले भिवंडी के हर घर में जाके ऐसा बैठो जब तक उनको सुखी नहीं मिलती है। सुखी मतलब क्या, किसी ब्याह के लिए लड़की बैठी घर में उसका अच्छे से ब्याह हो, कोई अच्छा डिग्री के लिए बैठा होगा बच्चा उसका अच्छा डिग्री हो, मेडिकल में बहुत से कोई ऑपरेशन कुछ बच्चा होगा परेशान रहेगा उनका ऑपरेशन हो, वो हर चीज़ उनको जब तक पूरा मिलता नहीं जब तक उनके घर में आप बैठे रहो, ऐसा मैंने हम महालक्ष्मी भगवान से दुआ मांगी, प्रार्थना की। भिवंडी की जो जनता हमारी, इन्होंने डे फर्स्ट से बहुत से त्यौहार गए, हर त्यौहार में जैसे सहयोग किया, जिसके कारण कोई काना का उसको भिवंडी के लोग ने उसको रोक के रखा है, क्योंकि भिवंडी का आजू बाजू सब जगह बहुत भयंकर परिस्थिति थी, लेकिन काना का भिवंडी के हर एनजीओ, हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग, हर पत्रकार, आप जैसे लोग, पुलिस डिपार्टमेंट महापालिका काना का एक अच्छा नियोजन करके चल रही है, जिसके कारण हर चीज़ में सपोर्ट दिए यहाँ की जनता। कल भी देखे आपने, कल भी बहुत अच्छे से लोग जो निकले तो बहुत संभल के निकले और फटाका तो किधर फूटा नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात ऐसी है हमारे लिए, कल हम भगवान लक्ष्मी को एक पूजा किए थे कि जल्द से मंदिर खोलो, और भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रा के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ा था। तो कल कहाँ ना कहाँ हमने जब पूजा किया लक्ष्मी माँ से, लक्ष्मी अभी हद हो गई है, अब मंदिर खुलना चाहिए नहीं तो हम जबरदस्ती खोलेंगे। तो कल ये यहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिमाग में आ गया शायद, वो खुद बोले कि सरकार नहीं भगवान का आदेश आया, मतलब उनको भी लगता है सपने में आया होगा कुछ आदेश, और कल से मंदिर हमारा खुल रहा है। ये पूरी जो पट्टा है हमारे अंदर बहुत बड़े मंदिर, बहुत बड़े पैमाने मंदिर है, वराल देवी माता, अय्यप्पा स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, राम मंदिर, शंकर मंदिर, ऊपर दरगाह है हमारा उधर सब समाज से, तो सभी को बहुत खुशी का वातावरण है। मतलब दिवाली के बाद कल जो अच्छा भगवान ने बुद्धि दी, ऐसे उद्धव ठाकरे साहब खुद मुख्यमंत्री खुद बोले उनके आज हर पेपर न्यूज में देखो, तो कहाँ ना कहाँ लगता है रात को सपना आएगा उनको कहने खोल दो, ये हिंदू धर्म के लिए कुछ तो गलत आप कर रहे हो। तो कल मंदिर खुल रही उसकी खुशी हम बहुत जोरों से मनाएंगे। तो हमारे लिए कोरोना से तो हम लड़ रहे जीतेंगे, कल से हमारी मंदिर सब खुल रही है उधर भी, और हम पहले तो लंबा होकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे, प्रार्थना कर आज नजदीक जाके प्रार्थना करें तो बचा हुआ जो कोविड है।